नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा जीरा आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फ्लैटुलेंट गुणों का घर माना जाता है। इसके अलावा यह डाइबिट्री फाइबर और लौह, तांबा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, विटामिन्स और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। आप जीरे के साबुत, बीज एवं जीरा पाउडर दोनों का ही सेवन अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं। जीरे के फायदे सबसे पहले जानते हैं, वजन घटाने में सहायक होते हैं। जीरा भी वजन घटाने वाले आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस की कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में प्रकाशित 2014 की एक अध्ययन में अधिक वजन और मोटापे से ग्रसित महिलाओं के शरीर की संरचना और लिपिड प्रोफाइल पर जीरा पाउडर के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह शरीर में चर्बी एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अति सहायक है। इसके अलावा यह आपकी चयापचय क्रियाओं को उत्तेजित करता है और आपके खाना खाने की इच्छा को कम करता है। वजन कम करने के लिए जीरे को भून लें। इस भुने हुए जीरे को मिक्सी की मदद से पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का एक चम्मच रोजाना दही में मिलाकर दो बार आपको सेवन करना है। इसके बाद जीरे के लाभ, आपको ब्लोटिंग का प्रभावी उपचार कर सकते हैं। जी हाँ, जीरे के लाभ करेंगे आपको ब्लोटिंग का प्रभावी उपचार। ब्लोटिंग या फिर फूला हुआ पेट गैस का भी एक कारक है। इससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है और आपको ब्लोटिंग की शिकायत, कब्ज, अपच, रजनोवृत्ति पूर्व सिंड्रोम यानी कि PMS और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम यानी कि IBS की वजह से हो सकती है। मध्य पूर्व जर्नल ऑफ डाइजेस्टिव डिसीज में प्रकाशित एक 2003 का अध्ययन का कहना है कि जीरा ब्लोटिंग सहित इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम सभी के लक्षणों में सुधार लाने में कारगर होता है। ब्लोटिंग की शिकायत को दूर करने के लिए एक कप पानी उबालने के लिए गैस पर चढ़ाइए। इसमें एक चुटकी पिसा हुआ जीरा, अदरक पाउडर और समुद्री नमक के साथ साथ आधा चम्मच सौंफ के बीज डाल दीजिए। 5 मिनट के लिए इसे कम आँच पर उबलने दीजिए। छानने के पश्चात इसे ठंडा होने दें और पी लें। जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। जीरा पानी के फायदे दिलाएंगे आपको उदर शूल दर्द से आराम। अपनी वायुनाशी गुण के वजह से जीरा उदर शूल में हो रहे दर्द का भी एक सफल उपचार है। बच्चों के उदर शूल में दर्द होना बहुत ही आम है और जीरा बच्चों को उदर शूल से हो रही पीड़ा से राहत दिला सकता है। उदर शूल दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक कप में एक चम्मच जीरा डाल लें। इस कप में गर्म पानी डालें और इसे ढक दें। 15 मिनट बाद इसे छान लें। इस घोल का 1 से 2 चम्मच अपने बच्चे को पिलाएं, आपको लाभ होगा। जीरे के गुण दें एनीमिया को मात। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में लौह तत्व की कमी। लौह का एक समृद्ध स्रोत होने के कारण जीरा एनीमिया को ठीक करने में भी सक्षम है। एक चम्मच जीरे का पाउडर आपके शरीर को 4 मिलीग्राम लौह से पोषित करता है। इसमें निहित लौह रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देता है और थकावट जैसे एनीमिया के लक्षणों को भी हराता है। यह आपकी उपापचय क्रियाओं में भी सुधार लाता है। लौह की कमी को दूर करने के लिए एवं शरीर को एनीमिया से बचाने के लिए अपने दैनिक आहार में जीरा पाउडर को शामिल करें। इससे थकान, चिंता, संज्ञानात्मक दोष एवं पाचन विकार जैसे एनीमिया के लक्षणों से भी राहत मिलती है। जीरे का उपाय करें आप माँ का दूध बढ़ाने के लिए। जीरा कैल्शियम और आयरन से समृद्ध होता है। यह दोनों ही गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए उत्तम होता है। यह स्तन दूध के उत्पादन को उत्तेजित कर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी लाता है। इसके अलावा यह माओं को शिशु जन्म उपरांत खोई हुई ताकत और स्फूर्ति को वापस लाने में भी सहायता करता है। स्तन दूध को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच जीरा पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में मिला लीजिए। इसमें शहद की मिठास मिलाइए। कुछ हफ्तों के लिए इसका सेवन रोजाना रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले कीजिए, आपको लाभ होगा। जीरा पाउडर के फायदे करें पाचन क्रिया को उत्तेजित। जीरा आयुर्वेद में पेट दर्द, अपच, दस्त, पेट फूलना
मितली इत्यादि पाचन संबंधित विकारों के उपचार के लिए एक बहुत ही मशहूर औषधि है। यह अग्नाशय एंजाइम को पाचन क्रिया में समर्थक होते हैं, उन्हें उत्तेजित करता है। यह पेट में हो रही पाचन क्रिया को उत्तेजित करने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाइए। इसे दिन या एक दो बार रोजाना पीजिए। छाछ के एक गिलास में 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए। आप इसे रोजाना एक बार पीकर भी पाचन क्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। जीरा के औषधीय गुण हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार जीरे में बहुत अच्छे मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। खाद्य विज्ञान और पोषण के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित 2005 के एक अध्ययन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जीरा हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकोसूरिया में सहायता कर सकता है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए 8 चम्मच काली जीरा भून लें। इसके पश्चात भुने हुए जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का 1/2 चम्मच पानी के साथ खा लें। कुछ महीनों के लिए ऐसा रोजाना दिन में 2 बार करें। चूंकि जीरे का सेवन आपकी सर्जरी को प्रभावित कर सकता है, जीरे का सेवन सर्जरी से 2 सप्ताह पहले ही करना बंद कर दें। सर्जरी होनी हो तो जीरे का प्रयोग ना करें। जीरा आपके स्मरण शक्ति को भी बढ़ा सकता है। जीरे में निहित एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण स्मरण शक्ति में सुधार तो लाते ही हैं, साथ ही यह एकाग्रता के स्तर में भी सुधार लाते हैं। यह अल्जाइमर एवं उम्र के साथ आने वाली यादाश्त संबंधित विकारों का भी एक सफल उपचार है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन बी एवं विटामिन ई भी हैं, जो नसों को उत्तेजित कर दिमाग के कार्यशीलता में तो सुधार लाता ही है। 2011 में फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जीरा का नियमित रूप से सेवन करने से स्मरण शक्ति में सुधार आता है और दिमाग पर पड़ रहा स्ट्रेस भी कम होता है। रोजाना 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे चबाकर खाएं और अपनी स्मरण शक्ति को उत्तेजित करें। जीरा बनाएगा आपकी हड्डियों को मजबूत। जीरा आपकी हड्डी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज निहित होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी होता है, जो हड्डियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें एस्ट्रोजन के यौगिक भी होते हैं, जो रजनोवृत्ति उपरांत महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। अपनी हड्डियों को स्वस्थ बनाने के लिए और उनके घनत्व में सुधार लाने के लिए अपने दैनिक आहार में जीरे को शामिल अवश्य करें। जीरे की चाय आपके अनिद्रा का इलाज कर सकती है। यदि आप अनिद्रा के शिकार हैं तो चिंता मत कीजिए, जीरे की मदद से आप इस विकार से आसानी से लड़ सकते हैं। जीरे में मेलाटोनिन होता है, जो अनिद्रा से एवं अन्य सोने से संबंधित विकारों से लड़ने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको सोने में सहायता करता है। अनिद्रा को दूर भगाने के लिए 1 केले को अच्छे से मसल लें और फिर उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर मिला दें। इस मिश्रण को दैनिक रूप से सोने से पहले खाएं। इसके अलावा अन्य विकल्प यह है कि आप रोजाना रात में जीरे से बनी हुई चाय पिएं। जीरे की चाय बनाने के लिए 2 या 3 सेकेंड 1 चम्मच जीरे पाउडर कम आंच पर पकाइए। इसके बाद इसमें 1 कप पानी डाल लीजिए और इसे उबलने दीजिए। उबलने के पश्चात इसे 5 मिनट तक ढक कर रख दीजिए और फिर छानकर पी लीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा कुछ एक बातों पर ध्यान देते हैं। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला जीरा ही खरीदें, जो तर्जनी और अंगूठे के बीच निचोड़ने पर एक सुहानी एवं मिर्च सा महक लाती है। जीरे को एक हवा बंद डिब्बे में ही रखें। पीसे हुए जीरे को हवा सील कंटेनरों में फ्रिज में स्टोर करें। जीरे के फायदे तो हमने आपको बता दिए दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ इसके लॉस को भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके लॉस को नहीं जानेंगे तो कई बीमारियों में इसका उपयोग करना ज़रूरी नहीं होता है या फिर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया पीछे भी कि आप अगर सर्जरी करवाने वाले हैं तो जीरे का सेवन पहले से ही बंद कर दीजिए। वैसे ही आइए जानते हैं इसके कुछ एक नुकसानों के बारे में। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसके बिना तो भारतीय व्यंजनों की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। सभी प्रकार के भारतीय व्यंजनों में स्पेशल स्वाद के कारण जीरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरे के कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जीरे का अधिक सेवन पाचन संबंधी समस्या हार्ट बर्न का एक कारण हो सकता है।
जीरे के वातहर प्रभाव के कारण यह अत्यधिक डकार का कारण बन सकता है। जीरे से गर्भवती महिलाओं पर गर्भांतक प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादा मात्रा में जीरे के सेवन से गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी होने की आशंका बढ़ जाती है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को जीरे के अधिक सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए जीरे के फायदे से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर के उपस्थित हुए थे। अगले अंक में हम आप सभी के साथ आएंगे, कुछ एक और अंक में हम आप सभी के साथ आएंगे।